हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जनरल चौधरी ज्ञान में। और मैं आदित्य, और आज हम आ चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इकोनॉमिकल गोल या डेवलपमेंटल गोल एंड मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन पर जाकर के आप उसे देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो पिछली वीडियो में जो हमने देखा वो तो काफी अच्छा था। अब आप नेक्स्ट वीडियो जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसमें हम लोग जानेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो विद द नेशनल डेवलपमेंट टॉपिक। सो नेशनल डेवलपमेंट देखिए क्या है। द इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स एंड देयर मोटिव ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। जो हर एक आदमी क्या मांगता है, डिफरेंट गोल्स, अलग अलग गोल हैं, एंड देयर मोटिव, जो उनका मकसद क्या है, मोटिव मतलब मकसद है नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, मतलब वो भी एक तरह से डिफरेंट ही है। हर आदमी की सोच जो है अपने नेशन से अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो एग्जाम्पल भी हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, सुनिएगा किस तरीके से एक अलग अलग आदमी की किस तरीके की सोच जो है, मकसद है, वो डेवलपमेंट को लेकर के नेशनल के, अपने अपने देश के, अपनी अपनी कंट्री के, किस तरीके से आदमी को क्या सोच होती है। जैसे कि फार्मर वांट्स इंडिया टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। जो किसान होगा, आपने अभी पढ़ा होगा 9th क्लास में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेशरी सेक्टर, तो वो तीनों में जो डिवाइड है वो तीनों अलग अलग तरीकों से ही चाहते हैं कि कैसे हमारा देश डेवलप हो। जैसे कि अगर फार्मर की बात करें तो फार्मर किसमें आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कुछ अलग तरीके से डेवलपमेंट हो। यानी कि वो चाहेगा जैसे कि सरकार हमारा जो सीड है उसके प्राइस लो कर दे, जिससे कि हम आसानी से वो खरीद सकें, फर्टिलाइजर अच्छे कर दे, और हमारे लिए इरिगेशन की बेस्ट फैसिलिटी कर दे, हमारी फसल को बढ़िया से बढ़िया उग जाए, कोई दिक्कत हमें ना हो। ये चाहता है उस फार्मर एक डेवलपमेंट के बारे में। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रेडर्स वांट अनादर वे एंड टीचर्स येट अनादर वे। और ट्रेडर्स जो होते हैं यानी कि व्यापारी, व्यापारी क्या चाहेंगे कि भाई हमारा ट्रेड अच्छा चले, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सही हो, गवर्नमेंट को ये फैसिलिटी कर देनी चाहिए, अच्छे 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 मतलब यानी शिप्स में थोड़ा सा कम और वो होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए जिससे कि हमारा ट्रेड आसानी से हो जाए, एक्सपोर्ट हो जाए हमारा, आसानी से इम्पोर्ट हो जाए, वो इस चीज में डेवलपमेंट चाहेंगे। टीचर्स किस में चाहेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल्स हों, अच्छे कॉलेजेस हों, जिसमें अच्छे हम लोग पढ़ाई कर सकें, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, ये कुछ चीजें चाहेंगे अंडर नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट के अंडर क्या चीजें आती हैं, द प्रियोरिटी इज गिवन टू दूस गोल्स विच बेनिफिट द नंबर्स ऑफ हमारे पीपल्स। जो तो अधिकतर प्रायोरिटी उसी को दी जाती है जो सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल को फायदा कर रहा हो, बेनिफिट दे रहा हो, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। आखिरकार डेवलपमेंट में सरकार उसी पर काम करती है, इससे काफी लोगों को, यानी कि एक बड़े लोगों को, मतलब बड़े दायरे में फायदा हो। ऐसा नहीं छोटा मोटा कोई काम कर दे, छोटे मोटे फायदे नहीं, बड़े लोगों को फायदा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कौन सी कंट्री कितनी स्ट्रांग है, कितनी मतलब वीक या पुअर, कितनी रिच, ऐसी चीजें को देखेंगे। उस क्या हमारे पास है, क्या क्या हमारे पास क्राइटेरिया है, क्या किस किस बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कंट्री, कितनी कंट्री, कौन रिच है, कौन पुअर है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड डेवलप्ड कंट्री, क्लासिफाइड ऑन डेवलप्ड कंट्री, जो कि डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलपिंग जो चल रही है, डेवलपिंग इसके अंदर एंड डेवलपिंग कंट्री और हो रही है डेवलप, ये चीजें। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, कंपैरिजन थ्रू द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के थ्रू कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखो देखो। तो नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो नेशनल इनकम क्या, सबसे पहली बात याद कर लीजिए पॉइंट वाइज कि नेशनल इनकम क्या है, सारी कंट्री के रेसिडेंट यानी कि निवासी हैं उनकी इनकम को नेशनल इनकम ही कहा जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड भी लेंगे हम जिससे हम उसको कैलकुलेट कर सकें, नोन एज टोटल इनकम, उसको क्या कहते हैं हम, टोटल इनकम कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री विद द हायर टोटल इनकम
आर कंसिडर्ड टू बी द डेवलप्ड। और उन्होंने कहा कंट्री जो है हायर टोटल इनकम, जिसकी सबसे ज्यादा इनकम होगी हमने उसे डेवलप मान लिया। एग्जाम्पल के लिए ले लिया, लिखिए इन्होंने यूएसए, यूके, ये काफी डेवलप्ड कंट्री हैं, जो जापान। हाउ एवर दिस इज नॉट यूजफुल मेजर। लेकिन अब बात क्या है यहाँ पर कि ये भाई साहब इतने अच्छे मेजर नहीं है कंट्री को मेजर करने के लिए, सही नहीं है। क्यों नहीं है? कंट्री है डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि भाई अलग अलग कंट्री की अपनी अपनी अलग अलग पॉपुलेशन। जिसके यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होगी, अब समझ लो उसके यहाँ ज्यादा लोगों ने कुछ भी पैसे कमाए, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री कैसे कहला लेगी, बताइए सही बात है कि नहीं है। टोटल इनकम विल नॉट स्टेट द एवरेज अमाउंट ऑफ अर्न बाय द पर्सन। तो टोटल इनकम हमें एवरेज अमाउंट नहीं देती है कितना कौन पर्सन कमा रहा है। ये तो भाई साहब थोड़ा अच्छा नहीं लगा हमें क्राइटेरिया, ठीक है, कि मतलब कि टोटल इनकम के हिसाब से। अब एक और चीज आ जाती है हमारे सामने, ये है क्या कंपेरिजन थ्रू द पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या है ये भी हम जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम गिव्स अ बेटर कंपेरिजन। इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग टोटल इनकम, पर कैपिटा इनकम यही है डेफिनेशन, समझ लीजिए। कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और जीडीपी, आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, बाय इस टोटल पॉपुलेशन, उसकी जितनी पॉपुलेशन है उसकी जितनी इनकम है उससे उसे डिवाइड दे देंगे, तो इट इज कॉल्ड द एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। इसी को एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप बात को। और देखिए इट हैज ड्रॉबैक एज अ हाइट्स डिस्पैरिटीज। एग्जाम्पल व्हेन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ अ पीपल, एक छोटा सेक्शन है मतलब इलाके में कम लोग हैं, हैज वेरी हाई इनकम। अब उनकी इनकम से आप अंदाजा लगाएंगे कि ये तो यार बहुत कम लोग हैं, उनकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो द एवरेज इनकम आल्सो गेट हाई एंड डू नॉट गिव अ प्रॉपर आइडिया। तो ये भी एक यहाँ पर बात फंस जाती है, जो एवरेज इनकम है ये भी एक तरह से अच्छी तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर आइडिया नहीं दे पा रही है हमें एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से कि कितना कौन कंट्री कितनी अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, इस तरह से नहीं दे पा रही है। आइए और देखते हैं, अब जान लेते हैं हम थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी हमारी पर कैपिटा इनकम के ऊपर क्या क्या कहा वर्ल्ड बैंक ने, उसकी कहानी भी सुन लेते हैं थोड़ी सी, क्या कह रही है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये पब्लिश किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में अपनी WDR में, एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशनल्स नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो तो पर कैपिटा इनकम में ही, उसने कहा कि हम भैया मेजर करेंगे, देखिएगा किस तरह मेजर किया उसने। उसने यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं अपन को, देखेंगे समझेंगे। उसने पहला पॉइंट में क्या कह दिया, उसने कह दिया कंट्रीज विथ पीसीआई, पीसीआई पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, यूएस के डॉलर में देखना आपको, विथ यूएस डॉलर 12,616 डॉलर, 12,616 डॉलर और मोर टर्म्ड एज रिच कंट्री। कौन सी कंट्री कहलाएगी रिच कंट्री, कितने डॉलर के अब होना चाहिए या इतने होना चाहिए, 12,616 डॉलर के अगर ऊपर जाते हैं या इतने ही है तो आप एक रिच कंट्री कहलाएंगे। लेकिन अगर कंट्रीज विथ पीसी मतलब कि पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,035 और लेस आर टर्म्ड एज अ लो इनकम कंट्री, यानी कि उसे हम कहेंगे एक पुअर कंट्री, समझना बात को, या लो इनकम कंट्री। तो ये 2 पॉइंट्स है जो हमें वर्ल्ड बैंक ने दिए। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो एक ये इंडिया का भी यहाँ पर है एक पॉइंट कि 2012 में इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज ओनली अबाउट 1,530 डॉलर पर एनम, इट वाज क्लासिफाइड एज द लो और मिडिल इनकम। क्योंकि देखिए लो के लिए उन्होंने कहा 1,035 एंड हाई के लिए कहा 12,000, लेकिन इंडिया कितना था 1,500, तो थोड़ा सा से मान लेते हैं हम मीडियम, मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं मीडियम कंट्री, ठीक है, मिडिल मिडिल इनकम कंट्री, ठीक है, इंडिया को। तो इसमें आपको एक चीज जरूर याद रखना है कि अगर आप इसे एग्जाम में मेंशन करते हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पर आपको इस ईयर का नाम जरूर डालना है, कौन से ईयर में कितना था, ये नहीं आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं डाल सकते, आप ईयर डालना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ। अगर अगर आपके पास दूसरी कोई नई बुक होगी तो उसमें अगर और कुछ डाला होगा तो आपको वो लर्न करना पड़ेगा कि कितनी थी यूएस डॉलर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पर 2012 का, वो आपको 1,530 डॉलर होना चाहिए, ठीक है, तो यही ठीक होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम वीडियो में देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया अगले पार्ट में, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS और कुछ और क्राइटेरिया क्या हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज, ये सारे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चौधरी ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूरी कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर
एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट्स भी मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ललन मोरा ललन मोरा ललन मोरा अंग्रेजी हिंदी गणित सब पढ़ने लगा है। ललन मोरा अंग्रेजी।